मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्य की सियासत में उफान आ चुका है। अब उसी बीच विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने मराठा समाज को ओबीसी कोटा से आरक्षण देने की बात कही है, जिसका कड़ा विरोध राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा ने किया है, जिसके उपलक्ष्य में पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। दरअसल मराठा समाज को ओबीसी से आरक्षण देने के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान का राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा ने कड़ा विरोध किया है। यह मराठा समाज को गुमराह करने व शान पेटे ओबीसी समाज को उग्र करने का प्रयास है। कांग्रेस को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। मराठा को कुनबी बताकर प्रमाण पत्र देने के प्रयासों पर भी राजनेताओं से भूमिका स्पष्ट करने की मांग इस पत्र परिषद के माध्यम से की गई है। राज्य में ओबीसी वर्ग में 350 जातियां शामिल है। इन जातियों को केवल 19% आरक्षण है, जिसके चलते 50% आरक्षण की सीमा को संसद में बढ़ाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक नितिन चौधरी, एडवोकेट अशोक यावले ने मराठा समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं देने की मांग पत्र परिषद में की। इस दौरान कृष्णकांत मोहर, इंजीनियर बापू चर्डे, असलम खटमी, डॉक्टर महेश चौकी आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। विरोधी पक्ष नेत्यांनी एक भूमिका मांडली, 4 महिन्यापूर्वी त्यांनी भूमिका वेगळी मांडली होती 23 एप्रिल 2023 ला, आणि 2 सप्टेंबर 2023 ला अगदी त्याच्या विरोधात भूमिका मांडलेली आहे। असे आपले विरोधी पक्ष नेता सन्माननीय वडेट्टीवार यांचं वक्तव्य आहे। हे वक्तव्य असं म्हणतात ते की मराठा समाजास ओबीसी मधून आरक्षण दिलंच पाहिजे। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।